हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी मेरी है मकर संक्रांति स्पेशल खिचड़ी। कई जगहों पे ये खिचड़ी का बहुत महत्व है और हमारे घर में भी इसका बहुत महत्व है, तो मैं आज मकर स्पेशल मकर संक्रांति खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो इतना टेस्टी लगता है कि इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसे पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम मकर संक्रांति स्पेशल खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने एक प्रेशर कुकर रख लिया है। कुकर को हम सबसे पहले गर्म होने देंगे। प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है। अब हम उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। तो ये छोटा चम्मच है, हम 2 चम्मच डाल रहे हैं। अगर चम्मच बड़ी हो तो 1 चम्मच डालिए। घी को हम मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे तुअर का दाल। तो हम जो खिचड़ी बता रहे हैं उसमें तुअर का दाल सेंकना बहुत ज़रूरी है। ये तुअर का दाल हम धोएंगे नहीं, इसको हमने प्लेट में अच्छे से देख लिया, फिर कपड़े से मैश के साफ कर लिया है। अब हम इस दाल को घी में डालेंगे और इसे 1.5 से 2 मिनट तक हम तेल में रोस्ट करेंगे। रोस्ट किया हुआ दाल खिचड़ी में बहुत ही बढ़िया स्वाद देता है, तो ये बात आप ध्यान से समझिएगा। दाल को हमने अच्छे से सेंका है घी में, आप देख सकते हैं। आपको जब नज़दीक से सेकेंगे तो दिख जाएगा। तो खिचड़ी के लिए ये मेरा पहला टिप्स है कि दाल को आप घी में रोस्ट कर लीजिए, इससे खिचड़ी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। दोनों को हम दाल के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी। 1 कटोरी दाल को गलने के लिए 1 ग्लास पानी सही होता है। हमने हल्दी, नमक, दाल मिक्स कर लिया। अब हम प्रेशर कुकर का कवर लगा के दाल को गला लेंगे। जब तक अपनी दाल गल रही है तब तक हम दूसरे बर्नर पे दूसरी कढ़ाई में सब्जियां फ्राई कर लेंगे। हमने कढ़ाई गैस पे गरम कर लिया है। अब हम उसमें 1 बड़ा चम्मच राई का तेल डालेंगे। तो संक्रांति की खिचड़ी के लिए राई के तेल में सब्जी फ्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तेल को हम गरम कर लेंगे क्योंकि सरसों का तेल है तो अच्छे से गरम होना भी जरूरी है। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें फोरन डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 इलायची, 1 दालचीनी स्टिक, 6-7 लौंग, 1 छोटी वाली इलायची, 1 चम्मच जीरा और तेज पत्ती लिए हैं। अब हम इन सारे फोरन को इस तेल में छोड़ देंगे। तेल को फोरन में हम फोरन चटक चुका है। अब हम उसमें डालेंगे 1 बड़ा साइज प्याज, जिसे हमने स्लाइस में काट लिया है। फोरन में हम प्याज को मध्यम फ्लेम पे भूनेंगे। प्याज के साथ में ही हम 1 चम्मच इसमें अदरक डालेंगे। तो यहाँ पे हमने अदरक को दरदरा कूट लिया है। खिचड़ी में अदरक का भी स्वाद बहुत बढ़िया आता है और इसे आप पेस्ट करके मत डालिए, दरदरा ही डालिएगा तो और स्वादिष्ट लगेगा। 1-1 निवाले में अदरक का स्वाद आता है। इसे हम 1/2 मिनट तक प्याज के साथ भूनेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हल्का सा गल चुका है। अब हम डालेंगे इसमें कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी। गोभी को हमने ऐसे पीसेस में तोड़ रखा है, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। 1 बड़ा आलू को हमने छील के ऐसे क्यूब्स में काट रखा है। तो हम प्याज के साथ आलू और गोभी को 1 मिनट तक भून लेंगे। आलू गोभी हल्का भून चुका है। अब हम डालेंगे इसमें मटर, ये फ्रेश मटर है, गाजर जिसे हमने क्यूब्स में काट रखा है, 1 बड़ा गाजर को,
कुछ हमने यहाँ पे बीन्स लिया है, इन सभी सब्जियों को हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ पे आप अपने मनपसंद का और भी सब्जी डाल सकते हैं जो भी अवेलेबल है। सब्जियों को हमें कच्चापन दूर होने तक भूनना है। हमने आलू, गोभी, मटर, बीन, गाजर, प्याज, अदरक सभी को भून लिया है। आप देख सकते हैं ये गला नहीं है पर इसकी कच्चापन जो है वो निकल चुकी है, यानी जो कच्चे की स्वाद है वो सब्जियों से निकल चुकी है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे एक बड़ा टमाटर जिसे हमने क्यूब्स में ही काटा है, और थोड़ा सा हम यहाँ पे पत्ता गोभी डाल रहे हैं। आप चाहें तो डालें, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। ये सब्जी हम लास्ट में डालते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाता है। अब इस सब्जियों को भी हम आधे मिनट तक अपनी सब्जी के साथ पकाएंगे। जैसे कि हमने बताया सब्जियों को गलने नहीं देना है, इसकी कच्चापन दूर करनी है। सब्जियों को हमने भुना है आधे मिनट तक। अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार डालिए। ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मात्रा कम रखिए, अगर बड़े खाने वाले हैं तो मसालेदार खिचड़ी में मिर्च थोड़ा ज़्यादा ही चलता है। अब हम यहाँ पे डालेंगे आधी चम्मच हल्दी, क्योंकि आधी चम्मच हल्दी हमने दाल में भी डाल रखा है। और सब्जी के लिए हम एक चम्मच नमक डालेंगे। तो हमने दाल में भी नमक डाला है, ये सब बात हम समझ के ही नमक डालेंगे। मसाला को भी हम सब्जी के साथ पका लेंगे। सब्जी हम भून रहे थे तब तक अपनी दाल भी गल चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और दाल का प्रेशर निकलने देंगे। अब देख सकते हैं अपनी सब्जी की कच्चापन दूर हो गई है। हम बार बार बोल रहे हैं कि सब्जी को गलने नहीं देना है, इसकी केवल कच्चापन दूर करनी है। अब हम यहाँ पे चावल डालेंगे। तो चावल को हमने चून के धो लिया है, उसका पानी निकाल लिया है। चावल की क्वांटिटी इतना ही होना चाहिए जितना हम दाल लेंगे उसके डबल चावल लेंगे, तो खिचड़ी का स्वाद बढ़िया आता है। अब इस चावल को हम सब्जी के साथ भूनेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी चावल ले सकते हैं। चावल दो तरह की आती है, एक कच्ची और एक पक्की। तो यहाँ पे हमने कच्चा चावल यूज किया है। अब हम चावल को सब्जी के साथ ऐसे चलाते हुए भूनेंगे। ज्यादा देर नहीं भूनना है, एक मिनट तक हम मसाले के साथ सब्जी को भूनेंगे। सब्जियों के साथ हमने चावल को भून लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हम कुकर को खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी प्रेशर कुकर से प्रेशर निकल चुकी है, ढक्कन आराम से हम खोल सकते हैं। दाल अपनी गल चुकी है, तो इसे हमें मैसना नहीं है, दाल के भी ऐसे ऐसे दाने दिखने चाहिए। तो यहाँ पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हम दो ग्लास इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने दो ग्लास पानी डाल दिया। अब हम हल्के हाथों से दाल को ऐसे चला लेंगे। अब हमने जो राइस सब्जी के साथ फ्राई किया है उसे इसमें ऐड कर देना है। तो हम इसमें धीरे धीरे ऐसे राइस को छोड़ देंगे। एक खिचड़ी का टेस्ट तो आप बनाएंगे तो ये संक्रांति आप भूल नहीं पाएंगे। इतनी टेस्टी ये खिचड़ी होती है, आप गेस्ट को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, फ्रेंड्स को खिलाइए, वो लोग भी याद करेंगे कि हमने क्या खिचड़ी खाया था। चावल को हम अच्छे से दाल के साथ ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो सबको पता है खिचड़ी में पानी ज़्यादा ही पड़ता है।
अगर जरूरत होगा तो हम पकने के बाद भी डाल देंगे। ये तो खिचड़ी देखने में भी इतनी सुंदर लग रही है, तो चलिए हम अब कवर करके इसे एक सीटी आने तक पका लेते हैं। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। अब देख सकते हैं अपनी खिचड़ी में एक मिसल आ चुकी है। बस हमें खिचड़ी को इतना ही पकाना है और फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। जब तक इसका अपने आप प्रेशर नहीं निकलता, हमें कुकर को छूना नहीं है, तो बढ़िया खिचड़ी पककर तैयार हो जाएगी। अपनी खिचड़ी के प्रेशर कुकर की प्रेशर निकल चुकी है। अब हम कवर को खोलेंगे। अरे वाह, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लुकिंग आ रही है खिचड़ी की। तो हम खिचड़ी को अब चम्मच से मिक्स करेंगे। खिचड़ी काफी गाढ़ी है अपनी, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपको जितनी पतली खिचड़ी चाहिए उतना पानी ऐड कीजिए। पानी के साथ हम अच्छे से खिचड़ी को मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने 1.5 गिलास ऊपर से पानी ऐड कर दिया है। ऐसे ही खिचड़ी की थिकनेस होनी चाहिए। अब चलिए हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। गैस पे हमें एक तड़का पैन ले लेना है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। खिचड़ी में देसी घी का तड़का बहुत जरूरी होता है, तभी खिचड़ी की स्वाद बढ़ती है। तो इसमें 1 बड़ा चम्मच हमें घी डालना है। घी गर्म होने के बाद हम उसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। 2 से 3 हम इसमें होल लाल मिर्च डाल लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 2 पिंच हींग। हींग से अच्छे से खिचड़ी डाइजेस्ट होता है। तड़का को हम अच्छे से चटकने देंगे, जलाएंगे नहीं, केवल इसे ब्राउन होने देना है। आप देख सकते हैं अपनी तड़का कितना बढ़िया तैयार हुआ है। तो चलिए हम इसे खिचड़ी में डाल लेते हैं। तो ऐसे हम खिचड़ी में डाल दिए। फटाफट हम इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे, जिससे इसकी सारी खुशबू खिचड़ी में अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये फाइनली अपनी खिचड़ी तैयार हो गई। अब लास्ट पे हम इस पे थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। वो आपके चॉइस के ऊपर है, पसंद है तो डालिए, नहीं तो ये प्रॉपर खिचड़ी अपनी तैयार हो चुकी है। तो हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रहे हैं। पत्ता को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे घर में सभी को धनिया पत्ता डाला हुआ खिचड़ी पसंद है, तो हमने डाला, आप अपने अनुसार डालिए। कितनी बढ़िया कलर आई है। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो चलिए हम इसे बॉल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं अपनी खिचड़ी की थिकनेस, कलर, खुशबू तो किचन में फैल चुकी है। आप भी बनाइए, आपको भी ये फीलिंग आएगी। खिचड़ी की हमने प्लेटिंग कर ली। फाइनली इस पे हम डालेंगे देसी घी। घी के बिना खिचड़ी का स्वाद किधर आता है। जब आप खाने बैठिए और गर्मा गर्म खिचड़ी पे 1 चम्मच देसी घी डालिए, खिचड़ी का स्वाद बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये मकर संक्रांति स्पेशल खिचड़ी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।